कैट 2020 स्लॉट वन क्वेश्चन पेपर एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 71। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सर्कल्स और ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये, जिसमें सर्कल का भी यूज हुआ है और रोम्बस का भी यूज हुआ है। क्वेश्चन ये है कि सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए रोम्बस विद डायगनल्स 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ रोम्बस इज। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले आप एक रोम्बस बना लीजिए। सपोज दिस इज अ रोम्बस विच इज गिवन, रोम्बस विच हैज फोर इक्वल साइड्स। सो सपोज दिस इज अ रोम्बस विच इज गिवन, दिस इज अ रोम्बस विच इज गिवन एंड इट इज गिवन दैट इट्स टू डायगनल्स आर 12 एंड 16 सेंटीमीटर। सो सपोज दिस इज 12 एंड दिस इज 16। तो वी नो दैट कि डायगनल्स जो होते हैं किसी भी रोम्बस के, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। वो बाइसेक्ट करते हैं और बीच में उनके एंगल 90 होता है। तो सबसे पहले यहाँ से हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगी, या जैसे अगर ये 12 है तो ये 66 हो जाएगा, और यहाँ से ये 16 था तो ये 88 हो जाएगा। वाली ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो आप ये साइड निकाल सकते हो, ये साइड आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 8² + 6² पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 64 + 36, इट कम्स आउट्स टू बी √100। √100 का मतलब है ये वैल्यू हमारी 10 आ गई, मतलब जो साइड है रोम्बस की वो हमारी कितनी आ गई, 10 आ गई। तो एक बार मैं फिर से रोम्बस बनाता हूं। तो बेसिकली अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस हमें गिवन है, और इस रोम्बस में एक सर्कल हमने इंस्क्राइब किया है। एक सर्कल हमने इस तरह से इंस्क्राइब कर दिया है लाइक दिस, जो इसकी, हाँ, इंस्क्राइब का मतलब ही यही होता है कि वो चारों साइड्स को टच कर रहा है लाइक दिस। तो हमें रेशियो बतानी है एरिया ऑफ द सर्कल टू दैट ऑफ रोम्बस। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये बताइए, ये साइड अपने को पूरी कंप्लीट 10 है। तो यहां पे सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इन दोनों को टेंजेंट बोला जा सकता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो दो टेंजेंट होते हैं, ये सर्कल की प्रॉपर्टी है। एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो दो टेंजेंट होते हैं हमारे, उन दोनों की जो लेंथ होती है वो हमेशा इक्वल होती है। मतलब कि अगर ये लेंथ ए है तो ये लेंथ ए होगी। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं ये लेंथ इतनी ए है तो ये ए होगी, क्योंकि पूरी 10 है तो ये बची हुई 10 माइनस ए होगी, और इधर से भी ये बची हुई 10 माइनस ए होगी। सेम वे से यहां से ये ए ए हो जाएगी, और ये वाली लेंथ जो है ये 10 माइनस ए, तो यहां से भी 10 माइनस ए हो जाएगी। ठीक है, हमें अल्टीमेटली रेडियस निकालनी है। तो अब रेडियस कैसे आएगी वो देखिए, सेंटर ये ले लेते हैं हम इसका। तो सेंटर से अगर मैं यहाँ से मिलाऊं तो वी नो दैट कि टेंजेंट के साथ एंगल 90 बनता है। यहाँ से भी अगर सेंटर को मिलाऊं लाइक दिस तो ये एंगल 90 बनता है, वी नो दैट। और वी नो दैट कि अगर ये वाला इतना पोर्शन ले हम, ये वाला पोर्शन, तो ये 6 के इक्वल है, क्योंकि ये डायगनल का हाफ है। और जहां पे ये डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, कैन वी से सेंटर वही होगा, 22 मिट्री। तो क्योंकि यहां पे बाइसेक्ट करेंगे डायगनल्स, अगर आप दोनों डायगनल्स को दिखाओ तो ये 6 है, तो ये 6 होगा, ये इतना पोर्शन 6 है, और ये हमारी रेडियस है। तो अब आप क्या कर सकते हो, सेम काम आप इधर से भी कर लो एक बार। देखो पहले इसी में देख लो आप। तो ये एक ट्रायंगल लेते हैं हम, ये वाली ट्रायंगल पकड़ते हैं, ये वाली, ये पर्टिकुलर ट्रायंगल, ये जो ब्लैक में दिखाई है मैंने। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के वी कैन राइट लाइक दिस, ए स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं देखो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6² विच इज 36। और यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू निकाला जा सकता है 36 माइनस ए स्क्वायर, और इसे इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं हम, ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेम वे से अगर मैं यहां से इस पॉइंट को मिला दूं, ये वाला पॉइंट, तो ये एंगल 90 है, ये तो एंगल 90 है ही है हमारा। इधर से आप पाएंगे ये वाला जो डायगनल बनेगा, ये डायगनल का हाफ है, ये वाली लेंथ, तो वो ये वाली लेंथ बनेगी जो आपने इधर दिखाई थी, ये 8 बनेगी, ये वाली 8 है। और ये तो आपकी रेडियस थी ही, इतनी तो आपकी रेडियस थी, ये आर है, ये 10 माइनस 8 है।
ये 10 माइनस ए है और ये 8 है, तो फाइनली आप पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में भी लगा दो, ये राइट एंगल ट्रायंगल में, ये वाली, ये जो दूसरी ब्लैक में दिखाई है हमने, तो आप पाएंगे यहां से आएगा कि 10 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और यहां से भी हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहां से भी हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 10 माइनस ए का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि दोनों में ही रेडियस का वैल्यू है, तो फाइनली वी कुड से दैट 36 माइनस ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 64 माइनस 10 माइनस ए का होल स्क्वायर, तो वो होता है 100 प्लस ए स्क्वायर माइनस 20 ए, और ब्रैकेट अगर आप ओपन करते हो तो यू कुड से दैट 36 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 100 माइनस ए स्क्वायर और प्लस 20 ए, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 36 और ये माइनस 36 है, तो 36 इज इक्वल टू माइनस 36 प्लस 20 ए आ जाएगा, और 20 ए का वैल्यू फाइनली ये 36 उधर चला जाएगा, 72 हो जाएगा, 4 पे काटोगे तो ये 5, 4 पे काटोगे तो ये, हाँ 4 पे काटोगे तो ये 18 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू 18/5 आ जाएगा, और ए का वैल्यू 18/5 आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो रेडियस आ जाएगी जिसकी हमें जरूरत थी, तो रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 18/5 का होल स्क्वायर बोला जा सकता है, विच इज बेसिकली आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 324 डिवाइडेड बाय 25 बोला जा सकता है। इसे यदि आप सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर आएगा 36 इंटू 25 900 में से आप 324 माइनस कर दें, तो आर स्क्वायर का वैल्यू बेसिकली 576 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा, तो आप आर स्क्वायर ही रहने दें क्योंकि इसी की रिक्वायरमेंट है। अब लास्ट लाइन पढ़िए और जो पूछा गया है उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था द एरिया, हाँ जी रेशियो बतानी है एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ रोमबस, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रोमबस होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, डी वन डी टू डायगनल्स है, तो यदि आप ये फॉर्मूला पुट करते हैं तो आंसर आना चाहिए क्वेश्चन का पाई इंटू आर स्क्वायर जो है वो 576 डिवाइडेड बाय 25 है, और नीचे आ जाएगा हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, तो डी वन आप पाएंगे 12 है तो डी टू आपका 16 है, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो ये कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6, और 16 से यदि आप ऊपर वाले को काटते हो तो 16 3 48 96 बचा 6 आएगा, फिर से काटते हो तो यहाँ पे 6 आएगा, तो फाइनल वैल्यू जो बचेगी हमारी वो ये आएगी 5 पाई फाइनल वैल्यू में हमारे पास आएगा 6 पाई डिवाइडेड बाय 25, बस इतना बचेगा, और आंसर ऑप्शन 2 मैच करता है, तो आंसर ऑप्शन 2 ही सवाल का आंसर होना चाहिए, आंसर ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।